तो सियासत के सेंसेक्स में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा हटा दिए गए हैं अपने पद से। जी हां, हम आपको बता दें शाम 7:30 बजे एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको ओम प्रकाश तिवारी ने, हमारे रिपोर्टर ने ये जानकारी दी थी। ये सबसे बड़ी खबर ब्रेक की कि सिलेक्ट कमेटी की बैठक में आलोक वर्मा के खिलाफ फैसला हुआ है। 2-1 से फैसला आलोक वर्मा के खिलाफ गया है। थोड़ी देर बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि आलोक वर्मा की सीबीआई से छुट्टी कर दी गई है। हम आपको बता दें आलोक वर्मा ने 75 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चार्ज संभाला था और आज राकेश अस्थाना केस में लगातार वो एक्शन में दिख रहे थे। और हम आपको ये बता दें कि कुछ देर पहले ही उन्होंने अस्थाना केस की जांच कर रहे एसपी को भी हटा दिया था, लेकिन इस खबर के कुछ मिनट बाद ये बड़ी खबर आई कि आलोक वर्मा को उनके पद से चयन समिति ने हटा दिया है। सीबीआई के स्पेशल निदेशक राकेश अस्थाना से आलोक वर्मा का विवाद चल रहा है। अस्थाना ने आलोक पर घूस के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था। कोर्ट ने 75 दिन बाद बहाल किया, लेकिन सिलेक्ट कमेटी का फैसला आलोक वर्मा के खिलाफ गया 2-1 से। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं, जांच एजेंसियों पर पैनी नजर रखने वाले और सीबीआई की हर खबर जिस तरह से ये खबर आप तक सबसे पहले एबीपी न्यूज पर पहुंचाई, ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं। और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध किया आलोक वर्मा को पद से हटाने का। कांग्रेस खेमे की हर जानकारी जैनेन्द्र आपको देंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए और इसका आधार क्या बना तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया आलोक वर्मा को, लेकिन सिलेक्ट कमेटी को यह लगा जिसमें प्रधानमंत्री, जस्टिस सीकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, क्यों लगा कि पद पर नहीं रहना चाहिए आलोक वर्मा को? नेहा, मैं आपको बता दूं कि जो सीवीसी की जो रिपोर्ट थी, जो उनकी जांच रिपोर्ट थी, वो मुख्य आधार बनी आलोक वर्मा को हटाने के लिए। सूत्रों का कहना है कि सीवीसी की रिपोर्ट में आलोक वर्मा पर तरह तरह से उंगलियां उठाई गई थी और सस्पेक्टेड बताया गया था उनको कि कुछ मामलों में उनकी भूमिका बेहद संदेहास्पद है। साफ तौर पर सीवीसी की रिपोर्ट में ये लिखा गया था भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक, और यही रिपोर्ट आलोक वर्मा के लिए आखिरी कील बनी। और इसी रिपोर्ट के मद्देनजर, चूंकि उनकी भूमिका को संदेहास्पद बता दिया गया था, तो सेलेक्ट कमेटी के दो मेंबर्स को लगा कि इन बातों के होते हुए आलोक वर्मा का अपने पद पर बने रहना उचित नहीं है और यही कारण है कि उन्हें पद से हटा दिया जाए। तीसरे मेंबर की उसमें सहमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद चूंकि सीबीसी की रिपोर्ट में काफी गंभीर कमेंट्स किए गए थे और कुछ मामलों में तो सीधे सीधे तौर पर आलोक वर्मा पर उंगलियां उठाई गई थी, जिसके चलते आलोक वर्मा को अपने पद से जाना पड़ा। नेहा जी और ओम प्रकाश, इसके अलावा जिस तरह से आलोक वर्मा ने जब पद पर वापस बहाली की, वो ऑफिस ज्वाइन किया, उन्होंने एक तरह से पुराने जितने ट्रांसफर उनके छुट्टी पर जाने के बाद हुए थे उन सबको रद्द भी कर दिया उन्होंने, क्या ये भी एक बड़ी बात सिलेक्ट कमेटी के संज्ञान में आई कि उनको नीतिगत फैसले लेने का अधिकार नहीं था, बावजूद इसके वो ट्रांसफर ऑर्डर्स को रद्द कर रहे थे? नेहा, ट्रांसफर का जो अधिकार था वो आलोक वर्मा के पास था, वो नीतिगत फैसलों के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन जिस तरह के ट्रांसफर ऑर्डर उन्होंने कैंसिल किए थे उसको लेकर सेलेक्ट कमेटी के सामने जरूर ये समस्या उठी होगी कि आखिर आलोक वर्मा चाहते क्या हैं। कल जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया, मैं आपको बता दूं सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया गया है कि आलोक वर्मा के ज्वाइन करने के पहले उनके भाजपा के एक मित्र उनसे मिले थे और उन्होंने उनसे कहा था कि वो आराम से अपना काम करें, लेकिन आलोक वर्मा जैसे ही सीबीआई मुख्यालय पहुंचे उसके बाद वो फाइटर बन गए और एक्शन में आ गए। देर शाम तक उन्होंने वो फाइलें मंगाई जिनको लेकर शुरू से विवाद था, जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स का, मसलन राकेश अस्थाना केस के जो इंक्वायरी अफसर्स थे जिनको यहां से बाहर भेज दिया गया था 24 अक्टूबर को, उन लोगों को उन्होंने वापस बुला लिया है, एसपी को बुला लिया, डीएसपी को बुला लिया, डीआईजी को बुला लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कहा जाने लगा कि अब इन लोगों की पोस्टिंग वापस राकेश अस्थाना के केस में कर दी जाएगी, और इसी बात को लेकर राकेश अस्थाना हाईकोर्ट भी गए थे और उन्होंने बाकायदा राइटिंग में आपत्ति जताई थी कि इन लोगों को उनके केस का आयोग ना बनाया जाए, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर राकेश अस्थाना के खिलाफ जो अधिकारी थे उनको वापस बुलाया गया। तो सेलेक्ट कमेटी को कहीं ना कहीं लगा कि एक बार फिर आलोक वर्मा अपनी सीट पर वापस लौटे हैं तो सीबीआई में फिर से पॉलिटिक्स तेज हो गई है और अपने अपने लोगों को वापस लाया जा रहा है जो सीबीआई के स्वास्थ्य के लिए संभवतः हितकर नहीं होगा। ये तमाम बातें रही होंगी जिनको लेकर सेलेक्ट कमेटी ने सोचा होगा और उन्हीं को आधार मानकर आलोक वर्मा को हटाए जाने का फैसला लिया गया। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीबीसी की रिपोर्ट में जिस तरह की गंभीर बातों का जिक्र आलोक वर्मा को लेकर के किया गया था वो एक तरह से मजबूत आधार बना सेलेक्ट कमेटी के लिए आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाने का। ओम प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ दर्शकों को ये बताते हुए कि खबर सबसे पहले अब से थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश तिवारी ने आप तक पहुंचाई एबीपी न्यूज पर। जैनेन्द्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी,
ये जानकारी जो ओम प्रकाश ने भी हमें दी कि मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष के नाते जो सिलेक्ट कमेटी का हिस्सा थे उन्होंने विरोध किया आलोक वर्मा को सीबीआई के पद से हटाए जाने का, ऐसा क्यों? स्टैंड जो है इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है? जी हाँ, निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध किया सेलेक्ट कमेटी में, और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, सबसे बड़ा आधार ये था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीवीसी की उस रिपोर्ट पर सवाल उठाया जिसके हवाले से सरकार ने पहले आधी रात को अक्टूबर में आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा था। खड़गे ने कहा कि सीवीसी की जो रिपोर्ट है वो विश्वसनीय नहीं है, सीवीसी की खुद की विश्वसनीयता नहीं है, ऐसे में सीवीसी रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं आलोक वर्मा पर उसकी सफाई का उन्हें मौका मिले और इन आरोपों की जाँच निष्पक्ष तरीके से हो। दोपहर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कांग्रेस ने और साफ तौर पर सीवीसी को इस्तीफा देने की मांग की थी। इसके अलावा अक्टूबर में जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी सीबीआई डायरेक्टर पर, उस पूरे घटनाक्रम की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी कांग्रेस ने। साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है कि जिस तरीके से सीबीआई डायरेक्टर को हटाया गया आधी रात में वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और कांग्रेस उस पूरे घटनाक्रम की जांच चाहती है, और चूंकि सीवीसी की रिपोर्ट को कांग्रेस शुरू से सवाल उठा रही है, ऐसे में खड़गे ने कहा कि सीवीसी की रिपोर्ट ही विश्वसनीय नहीं है, तो जो रिपोर्ट ही विश्वसनीय नहीं है उसके आधार पर आप आलोक वर्मा को हटाने का फैसला कैसे कर सकते हैं? हालांकि जाहिर सी बात है बहुमत आलोक वर्मा के खिलाफ था, ऐसे में सिलेक्ट कमेटी का जो फैसला है वो आलोक वर्मा के खिलाफ गया, लेकिन अल्पमत यानी मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता, उन्होंने अपना विरोध और आपत्ति दर्ज कराई। जी नेहा जी, जैनेन्द्र, संक्षेप में मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया जा रहा है कि हो सकती है, कुछ जानकारी मिल रही है कि कब तक कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? जी हाँ, निश्चित तौर पर नेहा, मैं इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हूं और कांग्रेस मीडिया सेल के सूत्रों ने हमें बताया है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, हालांकि अब तक उसकी जो औपचारिक जानकारी है वो नहीं आई है कि कितने बजे होगी। कांग्रेस पार्टी का ट्वीट भी सामने आ गया है, कांग्रेस अपने ट्वीट में क्या कह रही है? कांग्रेस अपने ट्वीट में बहुत साफ कह रही है, आलोक वर्मा का पक्ष सुने बिना उन्हें पद से हटाया गया, पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित किया कि उन्हें जांच से डर लगता है। ये कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि आलोक वर्मा का पक्ष सुने बिना उन्हें पद से हटाया गया, पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित किया कि उन्हें जांच से डर लगता है। यानी जैनेन्द्र, सीधे आलोक वर्मा का पद से हटना भले ही चयन समिति का फैसला रहा हो जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा जस्टिस सीकरी भी शामिल हैं जिनको नॉमिनेट उस सिलेक्ट कमेटी में भेजा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक राजनीतिक फैसला रहा है जहां पर प्रधानमंत्री जांच से डरकर ऐसा कदम उठा रहे हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है कांग्रेस इस मुद्दे को जो हवा दे रही है और इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नेहा आपको याद होगा कि जब छुट्टी पर भेजा गया था आलोक वर्मा को तब कांग्रेस ने खासतौर पर अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि चूंकि आलोक वर्मा राफेल मामले की जाँच करने वाले थे, शुरू करने वाले थे उसकी जाँच, इस वजह से उन्हें हटाया गया था, ये पहला आरोप था। और कांग्रेस मांग कर रही थी कि चूंकि सिलेक्ट कमेटी ही सीबीआई डायरेक्टर को नियुक्त करती है और उसी के पास अधिकार है उसे हटाने का, ऐसे में कांग्रेस उस समय ये मांग कर रही थी कि मामला सिलेक्ट कमेटी के पास आना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामला सिलेक्ट कमेटी के पास आया, तब कांग्रेस ने ये कहा कि सीवीसी की वो जो रिपोर्ट है उस पर सवाल उठाए कांग्रेस ने, उस पर उंगली उठाई और कहा कि रिपोर्ट ही बायस्ड है और उस रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं उसकी अलग से जांच होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कांग्रेस जो है इस मुद्दे को राफेल से पहले भी जोड़ रही थी और एक बार फिर राफेल कनेक्शन इस मुद्दे को पर बिठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सीधे तौर पर आलोक वर्मा की जो पहले छुट्टी पर भेजा गया और अब उनको सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाया गया, इस मुद्दे को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है और उसके निशाने पर प्रधानमंत्री हैं। और साफ तौर पर जैसा ट्वीट में कहा भी गया है वो प्रधानमंत्री पर हमला कर रही है कांग्रेस कि चूंकि प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं राफेल मामले में उसकी जांच संभवतः इस कदम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कर रही है। जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, उसका हमें इंतजार रहेगा। जैनेन्द्र और ओम प्रकाश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे दें, ये बता दें कि आलोक वर्मा की सीबीआई के पद से छुट्टी हो गई है, ड्यूटी ज्वाइन करने के एक दिन बाद सीबीआई निदेशक पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। यह फैसला सेलेक्ट कमेटी का है, चयन समिति का, चयन समिति जिसे इस बात का अधिकार है, सेलेक्ट कमेटी का फैसला आलोक वर्मा के खिलाफ गया है 2-1 से। प्रधानमंत्री निवास पर अभी अभी यह बैठक खत्म हुई है और इसमें यह फैसला लिया गया है कि 75 दिन बाद कल आलोक वर्मा जिन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी उन्हें पद से हटा दिया जाए। आलोक वर्मा पर घूसकांड का आरोप है। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने जानकारी दी कि सीवीसी की रिपोर्ट जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी हुई थी
वो एक तरह से आधार बनी है आलोक वर्मा को पद से हटाए जाने का। अब आइए आपको सिलेक्ट कमेटी के बारे में भी बताते हैं। सिलेक्ट कमेटी ये वो चयन समिति है जिसके पास अधिकार होता है सीबीआई निदेशक को हटाने का। पीएम खड़गे और जस्टिस सीकरी की मीटिंग हुई। ये तीन सदस्य चयन समिति के मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध किया सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को उनके पद से हटाए जाने का। सीवीसी की रिपोर्ट पर सिलेक्ट कमेटी ने यह फैसला लिया, जिसमें सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को लेकर गंभीर बातें कही गई। तो आलोक वर्मा के खिलाफ 2-1 से कमेटी का फैसला हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री और जस्टिस सीकरी एक तरफ, आलोक वर्मा को हटाने के पक्ष में, और हम आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके खिलाफ अपनी बात कही। तो 2-1 से यह फैसला आलोक वर्मा के खिलाफ गया। एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी ओम प्रकाश तिवारी का। ओम प्रकाश, अब आगे क्या होगा? चयन समिति ने अपना फैसला ले लिया है और अब सीबीआई डायरेक्टर के पद से आलोक वर्मा हटा दिए गए हैं। नेहा, मैं आपको वस्तु स्थिति समय की बताऊं कि सीबीआई हेडक्वार्टर अभी तक आलोक वर्मा का रिमूवल का ऑर्डर पहुंचा नहीं है। आलोक वर्मा लगभग 6:30 बजे अपने ऑफिस से उठकर चले गए थे और सीबीआई के प्रवक्ता का कहना है कि अभी उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन जो भरोसेमंद सूत्र है उनका कहना है कि थोड़ी देर बाद एक आदेश, संभवतः अंतरिम डायरेक्टर का आदेश भी सरकार जारी कर सकती है। इसके अलावा आज की जो बैठक है उसमें नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर भी बातचीत की गई। तो ये भी हो सकता है कि सरकार आने वाले 2 या 3 दिन में या कुछ ही समय में नए डायरेक्टर की भी नियुक्ति कर दे। तो हो सकता है कि आज देर रात या तो अंतरिम डायरेक्टर की नियुक्ति या किसी नए डायरेक्टर की नियुक्ति के बारे में भी सरकार अपना फैसला सुना सकती है। नेहा, तो ये एक बड़ी जानकारी ओम प्रकाश हमें देख रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में या फिर हो सकता है आज देर रात तक ही नए सीबीआई डायरेक्टर का नाम भी सामने आ जाए। लेकिन सीबीआई दफ्तर अभी आदेश नहीं पहुंचा है। आदेश कौन सा? सीबीआई निदेशक पद से आलोक वर्मा की छुट्टी, जो कि चयन समिति का फैसला है, जिसमें प्रधानमंत्री जस्टिस सीकरी और नेता विपक्ष के नाते कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्य थे। लेकिन सीबीआई दफ्तर अभी आदेश नहीं पहुंचा है। अंतरिम डायरेक्टर या नए डायरेक्टर की अब नियुक्ति होगी, ये आगे अब क्या होगा इस कदम के बाद, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी तक आलोक वर्मा को पद से हटाए जाने का जो आदेश है, जो ऑर्डर है चयन समिति का, वो सीबीआई दफ्तर फिलहाल नहीं पहुंचा है। और अंतरिम डायरेक्टर या नए डायरेक्टर की अब नियुक्ति होगी, 2-3 दिन में हो सकती है, हो सकता है आज देर रात तक भी ये फैसला सामने आ जाए। और हम आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर एक और आ रही है, प्रधानमंत्री निवास को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है और ये 3 तलाक से जुड़ी खबर है। पीएम निवास पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। 3 तलाक मुद्दे को लेकर कैबिनेट की बैठक, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर लगातार, और ये देखिए 3 तलाक पर फिर से आ सकता है अध्यादेश, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 3 तलाक पर एक बार फिर अध्यादेश आ सकता है। लगातार राज्यसभा में 3 तलाक की डगर मुश्किल रही है। इस पर कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों ने अपने सवाल उठाए हैं और ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि पीएम निवास पर कैबिनेट की बैठक शुरू, जिसमें 3 तलाक पर फिर से आ सकता है अध्यादेश। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 75 दिन बाद सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के बाद वापस आए, पद पर बहाल हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोक वर्मा, ड्यूटी ज्वाइन करने के अगले दिन ही पद से हटा दिए गए हैं चयन समिति ने। यह बड़ा फैसला आपसे थोड़ी देर पहले किया जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सीधे रुख करना चाहेंगे जैनेन्द्र कुमार, कांग्रेस के मुख्यालय से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र, सवाल यह भी उठता है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जांच से डर कर यह फैसला लिया, लेकिन उस चयन समिति में जस्टिस सीकरी भी मौजूद थे, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि यह फैसला राजनीतिक हुआ? जी नेहा, यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हम इंतजार कर रहे हैं वो यही सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है और अगर उन्होंने सीवीसी की रिपोर्ट पर सवाल उठाया है तो आखिर उनका आधार क्या है, क्योंकि कल जो सिलेक्ट कमेटी की बैठक हुई थी उसमें खड़गे ने सीवीसी की वो रिपोर्ट मांगी थी जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। वो रिपोर्ट सौंपी गई, 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरी बैठक हुई जिसमें वही रिपोर्ट आधार बनी जैसा ओपी सर ने बताया आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का। अब कांग्रेस में जो आरोप लगा रही है इस पर सफाई कांग्रेस नेता को ही देना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 9 बजे के आसपास हो सकती है सूत्रों के मुताबिक। और हम जाहिर सी बातें पूछेंगे कि आखिर जब सिलेक्ट कमेटी ही बुलाने की मांग वो पहले कर रहे थे कि बिना सिलेक्ट कमेटी बुलाए आलोक वर्मा को छुट्टी पर कैसे भेजा गया, और अब जब सिलेक्ट कमेटी ही उन्हें हटाने का फैसला कर रही है तो फिर वो इसमें राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उनका आधार क्या है? जी ने आप बिल्कुल, तो जैसा आप बता रहे हैं जैनेन्द्र, ये बड़ा सवाल रहने वाला है कांग्रेस पार्टी से कि जस्टिस सीकरी
जब उस चयन समिति का हिस्सा है तो सीधे सीधे राजनीतिक आरोप कैसे लगाया जा सकता है। ये चयन समिति का फैसला है जो 2-1 से आलोक वर्मा के खिलाफ गया है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे दें, ड्यूटी ज्वाइन करने के एक दिन बाद ही आलोक वर्मा को चयन समिति ने पद से बर्खास्त कर दिया है। सीबीआई निदेशक पद से आलोक वर्मा की छुट्टी हो गई है। चयन समिति में 2-1 से फैसला आलोक वर्मा के खिलाफ गया है। घूसखोरी के जो आरोप लगे उसमें सीवीसी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जस्टिस सीकरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 3 सदस्य इस चयन समिति का हिस्सा रहे और इस चयन समिति ने 2-1 से फैसला आलोक वर्मा के खिलाफ दिया है। अभी तक ये ऑर्डर सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचा है, आलोक वर्मा की निदेशक पद से छुट्टी का। और हम बता दें इसके बाद आगे का घटनाक्रम ये रहने वाला है, जैसा ओम प्रकाश हमें लगातार बता रहे हैं कि अब अंतरिम डायरेक्टर या नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर सबकी नजर रहेगी। इलेक्शन वायरल में बात राहुल की नई गुस्ताखी के सच की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि संसद में जिस वक्त वंदे मातरम गाया जा रहा था और सभी सांसद खड़े थे, उस दौरान राहुल गांधी इधर उधर देख रहे थे। इस वीडियो को लेकर बीजेपी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को घेर रही है, लेकिन इस वीडियो का सच क्या है? सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ये वीडियो खूब शेयर हो रहा है। वायरल वीडियो में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के समय पीएम मोदी समेत बाकी दूसरे नेता सावधान की मुद्रा में खड़े दिख रहे हैं, वहीं राहुल गांधी इधर उधर देख रहे हैं। ट्विटर पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल बग्गा ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, द एक्सीडेंटल इंडियन। बग्गा के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में इन्होंने वंदे मातरम बंद करने के लिए सोचा था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने के बाद महीने के पहले कार्य दिवस पर होने वाले राष्ट्रगीत को बंद करने का फैसला लिया गया था। बाद में विवाद बढ़ा तो तुरंत फैसला बदलकर पुलिस बैंड और जनता की भागीदारी के साथ राष्ट्रगीत का फैसला किया गया। कमलनाथ सरकार के इसी फैसले का हवाला देकर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वायरल वीडियो पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, आदरणीय मोदी जी समेत सारा सदन ससम्मान खड़ा है और श्री 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 राहुल गांधी को देखिए। बीजेपी नेताओं के साथ साथ आम लोग भी राहुल गांधी के इस वीडियो पर हमला बोलने लगे। मानवी दीक्षित नाम की यूजर ने राहुल पर तंज कसते हुए लिखा, 50 साल के राहुल गांधी सावधान की मुद्रा में खड़े सांसदों को इतने भौचक्के होकर क्यों देख रहे हैं? क्या कभी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होते नहीं देखा? अशोक चंदवासकर नाम की यूजर ने लिखा, जैसा हमें इटालियन राष्ट्रगीत सुनते हुए महसूस होगा, वैसे ही राहुल गांधी को वंदे मातरम सुनकर हो रहा है। वायरल
वीडियो के साथ राहुल गांधी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं और साथ ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वायरल वीडियो सही है? क्या सच में राहुल गांधी राष्ट्रगीत के समय इधर उधर देख रहे थे? वायरल वीडियो की शुरुआत में पीएम मोदी और गृह मंत्री साथ दिख रहे हैं। वीडियो पर LSTV यानी लोकसभा टीवी भी लिखा है, यानी वायरल वीडियो लोकसभा का है। हमने लोकसभा की कार्यवाही को देखना शुरू किया तो पता चला वीडियो मंगलवार का है। कार्यवाही खत्म होने पर सदन में राष्ट्रगीत गाया गया, वायरल वीडियो उसी समय का है। माननीय सदस्यगण, अब हम कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए, वंदे मातरम होगा। हमारी पड़ताल में राष्ट्रगीत के दौरान राहुल गांधी के दाएं बाएं देखने वाला वायरल वीडियो सही साबित हुआ है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।